नमस्कार, मैं बॉबी जय एमएनएस न्यूज़ लाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गुजरात के सूरत में 4 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के एक कोचिंग क्लास में लगी आग से कम 25 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। सूरत पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स के बिल्डर हरसुल बेकरिया और जिग्नेश समेत कोचिंग के मालिक भार्गव भूटानी के खिलाफ FIR दर्ज किया है। यह घटना शुक्रवार शाम हुई थी। आग लगने के बाद कई छात्र की जान इमारत से कूदने की वजह से हो गई, वहीं कुछ छात्रों की मौत दम घुटने से हुई। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में भयानक मंजर दिखाई दे रहा है, जहां छात्र और छात्राएं जान बचाने के लिए इमारत से कूदते नजर आ रहे हैं। यह आग सूरत के सरथना इलाके के तक्षशिला परिसर में लगी थी और छात्र आग से बचने के लिए 3री और 4थी मंजिलों से कूदते नजर आ रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि आग लगने की घटना में कम से कम 25 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई। घटना के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अस्पतालों का भी दौरा किया, जहां आग से जख्मी लोग इलाज के लिए भर्ती है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि मामले में विस्तृत जांच के लिए आदेश दिए हैं और दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पटेल ने कहा कि इमारत में कोचिंग कक्षाएं छत पर एक सेट में चल रही थी। इस बात की जाँच की जाएगी कि निर्माण कार्य अवैध तो नहीं है। सूरत अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 19 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग पर काबू पाने के लिए 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी बनाए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री रूपानी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करने का ऐलान भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह आग त्रासदी से अत्यंत दुखी है।